राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही है। वे इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान उन्होंने किया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन दिनांक 22 फरवरी से लेकर आज तक निरंतर इंडिया गठबंधन को जिताने और मजबूत बनाने का प्रयास करता चला आ रहा हूँ। इसी क्रम में देशवासियों से हमने अपील की कि संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ, देश बचाओ भाजपा हटाओ। पूर्व सपा नेता ने इसके साथ ही ये भी कहा कि इंडिया अलायंस में सम्मिलित यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से मेरी वार्ता भी हुई और उनकी उपेक्षाओं के अनुरूप मैंने 5 नामों की सूची भी भेजी और मैं प्रतीक्षा करता रहा, उस पर निर्णय कर इन्हीं दोनों पार्टियों की ओर से तय किए गए नामों की घोषणा भी हो, किंतु आज तक घोषणा नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि अस्तु लंबी प्रतीक्षा के बाद लोकसभा कुशीनगर की जनता की मांग को देखते हुए कुशीनगर की जनता के सम्मान, स्वाभिमान और विकास का संकल्प लेकर मैं कुशीनगर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कुशीनगर की जनता को समर्पित कर रहा हूं तथा देवरिया लोकसभा में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रत्याशी SN चौहान होंगे। शेष नामों की घोषणा भी शीघ्र किया जाएगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में सम्मिलित दल मुझे इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेराबादी पल्लवी पटेल की तरह गठबंधन का हिस्सा ना होने का प्रमाण पत्र देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, UP।